अब जिंदगी के अंदर सबसे ज्यादा एक अहम हिस्सा एक इंसान के होता है, वो होता है उसकी पैदाइश का, बच्चे की पैदाइश का हिस्सा होता है, या तो उसके भी बच्चा हो वो भी उसके लिए एक अहम है, और वो खुद पैदा हुआ था तो उनके माँ बाप के लिए वो अहम था। अब उस वक्त ये होता ये है कि घर वाले उसके अंदर लगे होते हैं, बच्चा पैदा हुआ हॉस्पिटल के अंदर है, उसकी देखभाल में रखते हैं, परेशानी उसके अंदर वो भी रहती है, टेंशन में भी रहते हैं, सब चीज़ों का मामला उसमें रहता है, तो उसके अंदर वो जो दीन ने जो उनको बताया उस चीज़ को वो भूल जाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जब बच्चा पैदा हो जाए तो 7वें दिन उसका अकीका करो, पैदाइश के 7वें दिन उसका अकीका करो। और अकीका करो, अब ये जो है हुक्मी सुन्नत है अल्लाह के रसूल सल्लम ने फरमाया, क्योंकि हमारे पास अल्लाह के रसूल सल्लम की जो हदीसें हैं, जो सुन्नतें हमारे पास में कुछ तो ऐसी हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लम ने जिसको खामोशी इख्तियार करी, किसी ने किया आपने उसको कुछ कहा नहीं, तो वो एक मुबाह है, मुस्तहब है, आपने कर लिया तो ठीक है, नहीं किया तो उस पर आपको कुछ नहीं। लेकिन बात ऐसी जहाँ अल्लाह के रसूल ने उभारा है कि किया करो, तो उसमें से ये पैदाइश का एक हिस्सा है कि जब बच्चा पैदा होता है अल्लाह के रसूल ने कहा कि 7वें दिन इसका तुम हकीका करो, तो ये हुक्मी भी है। तो अब ये हम देखते हैं कि इसको जो है ये ज़्यादा अहम हो जाता है, लेकिन ये समझने की ज़रूरत है कि ये भी फ़र्ज नहीं है, सुन्नत है अल्लाह के रसूल सल्लम, जिसकी हैसियत है उसको करना है, उसको करना चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए। छूट गया तो ऐसा अमल नहीं है कि जिसके बारे में उससे बाचपूस हो, ये उसके उसके ऊपर भी इस्तेदाद के ऊपर भी है कि उसके पास में ताकत होगी तो वो कर पाएगा, नहीं तो नहीं कर पाएगा, तो ये वाला ऐसा अमल है। लेकिन अक्सर होता यह है कि ये दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं कि गेमा गेमी के अंदर के बच्चा अब हुआ है, हॉस्पिटल से लाना है, घर लाना है, और 7 दिन ऐसे ही निकल जाते हैं, लोगों का आना उसमें लगा रहता है, लोग आते हैं पूछने के लिए, देखने के लिए, तो उसके ही अंदर ये 7 दिन निकल जाते हैं और उसके बाद में वो मामला ख़त्म हो जाता है, और ये होता नहीं है जो कि एक वो थी। इसके अलावा हम देखते हैं कि बरसों बाद फिर उसको याद आती है, कभी ज़िंदगी में फिर उसको कभी याद आती है, जब फुर्सत होती, बच्चा 7-8 साल का हो गया, 5 साल का हो गया, तब उसको याद आता है कि फिर वो पूछते हैं कि अब क्या करें, 7 दिन तो निकल गए, तो ये एक ही अल्लाह के रसूल एक ही बात कहा कि 7वें दिन करना है बस। अब उसके अलावा फिर क्या किया, लोगों ने कहा कि अच्छा 7वें दिन तो 7-7 जोड़ लो, 14वें दिन भी कर सकते हैं, 21वें दिन भी कर सकते हैं, 28वें दिन कर सकते हैं, और फिर अगर वो देखते हैं कि इसको 5-6 साल हो गए तो फिर उसके बाद वो जोड़ लेते हैं 7-7-7 करके, आज कौन सा कितना टाइम हो गया, बोले 7 के हिसाब से देखो ये तारीख आ रही है, अब इस पे कर लो। अब ये तो अपनी मन मर्जी का है, अल्लाह ने अल्लाह के रसूल ने हुक्म वो दिया था 7वें दिन करना, तो 7वें दिन नहीं करते, फिर उसमें वो पूछते और पूछते तो ऐसे मसाइल उनको मिल जाते हैं। लेकिन बात यह है कि अल्लाह के रसूल सल्लम ने जिस चीज़ का एक वक्ती तौर पर हुक्म दिया कि 7वें दिन अकीका करना है, 7वां दिन निकल के आपने नहीं किया वो खत्म हो गया। अब आप उसको चाहे करें और कितना ही बड़ा करें, एक जानवर के बोले 50 करें, आपका अकीका अब नहीं होगा, बात खत्म हो गई, क्योंकि ये ऐसा अमल नहीं है जो कजा वाला कि आदमी की नमाज छूट गई है, सुबह की नमाज उसकी छूट गई, फजर गलती से उठा नहीं, या जोहर की उसकी छूट गई तो वो कजा कर सकता है, पढ़ सकता है, रोज़ा छूट गया रमजान का उसका बाद में कजा कर सकता है, दूसरी चीज़ों में कजाएँ हैं, लेकिन ये ऐसा नहीं है कि इसकी फिर कजा की जाए कि चलो निकल गया तो बाद में करें, तो कजा वाला मामला नहीं, ये वक्ती था अल्लाह के रसूल सल्लम का, 7वें दिन इसको करना है तो वो करना है इसको। अब इसके अंदर ये भी होता है कि लोग कुछ इसके अंदर कुर्बानी कर तो देते हैं, 7वें दिन वो कुर्बानी कर दी कि वो 7वें दिन करना है, कर दिया, और उन्होंने जो है गोश्त को तकसीम भी कर दिया, लेकिन अब वो अकीका नहीं समझते उसको, फिर ये भी है वो समझते हैं कि नहीं ये तो वो ही नहीं, दावत नहीं हुई तो अकीका हुआ ही, तो फिर वो बाद में फिर जब फुर्सत मिलती है तो फिर दावत करते हैं पूरी, सबको बुलाया जाता है और सब करते हैं, सारी उसके अंदर होती है, फिर उसके बाद कार्ड भी छपता है, वो कार्ड छपता है और उस पर लिखा जाता है कि रस्म अकीका। इस्लाम के अंदर कोई रस्म नहीं है, इस्लाम में रस्म नहीं है, इस्लाम के अंदर जो भी है दीन के अंदर वो जरूरियात है, रस्म नहीं है बेवजह की, बस रस्मन उसी को कहा जाता है कि भाई इसको कर लिया जाए, तो इस्लाम के अंदर ऐसी कोई नहीं है कि बस कर लिया छोड़ दिया, इस्लाम के अंदर जो जरूरियात की चीज़ें हैं रस्म नहीं है इस्लाम के अंदर, तो रस्म फिर लिखा जा रहा है कि रस्म अकीका। और रस्में डाल डाल कर हम देखते हैं कि बाद जो इसको ऐसा लाजिम करार देते हैं, नहीं इसको तो करना ही पड़ेगा, पहले वो कुर्बानी कर दी वो ठीक है वो, लेकिन उसको अकीका नहीं समझ रहे वो, बाद में फिर एक दावत करके उसको अकीका समझते हैं। तो ये है कि इसके अंदर आपको
रस्म नहीं है, और इस्लाम में एक भी रस्म नहीं है। जो भी हम ये लिखा जाता है ना, रस्म हल्दी, रस्म मेहंदी, रस्म निकाह, ये भी नहीं है। रस्म निकाह नहीं होता है हमारे पास, रस्म नहीं है। ये तो हमारे पास गैर मुस्लिमों से आ गया रस्म, ये रस्म नहीं है, हमारी जरूरियात है, ये कुछ तो दिन की बुनियाद है, तो इसको रस्म नहीं कहा जाएगा, रस्म नहीं है। और कुर्बानी में अकीका है कि उसके अंदर कुर्बानी की जाए, अकीके अंदर कुर्बानी होती है, तो उसमें कुर्बानी की जानी है। अब ये जरूरी नहीं कि जो है इसको दावत खिलाना और इतने लोगों को बुलाएंगे और उसके बाद उसको दावत खिलाएंगे तब होगा, तो ऐसा इस्लाम में नहीं है। आपको करना है, आपको ऐसे ही खिलाना है, तो हर साल खिलाओ, कोई दिन आपको रोक थोड़ी रहा है, 6 महीने भी खिलाओ, 3 महीने भी खिलाओ, अब खिलाना, लेकिन वो अकीका नहीं होता है। और फिर ये आप चाहे फिर उसके बाद 7वां दिन निकल गया, फिर उसके बाद कितना भी उस पर खर्चा कर दें, लेकिन अल्लाह के यहाँ पर वो अकीका नहीं लिखा जाएगा, क्योंकि उसका टाइम चला गया, फिर नहीं लिखा जाता है, वो फिर नहीं होता। तो ये हमको इसको समझना है। फिर उसके बाद में ये कि 7वें दिन कर दिया, अब 7वें दिन भी लोग करते हैं कुछ, तो उसके अंदर 1500 लोगों को बुला कर खिलाना, दिन मना नहीं कर रहा है, लेकिन इस्लाम सादगी पसंद दीन। तो इन मामलात के अंदर जो जिंदगी के अहम हिस्से, इसके अंदर सादगी रखी जानी चाहिए, मना नहीं है, लेकिन फिर भी इसको सादगी से करना चाहिए। तो 7वें दिन रखने का ये है कि असल ये है कि 7वें दिन कुर्बानी की जाए और नाम रखा जाए। अब मसला ये होता है कि नाम के ताल्लुक से तो हम देखते हैं कि इतना इख्तिलाफ होता है कि बच्चा का नाम ये भुआ ये बोल रही है, इसकी माँ ये बोल रही है, नाना ने ये रख दिया, दादा ने ये रख दिया, वो दादी उसको मान ही नहीं रही है, उनके खास रिश्तेदार है वो कह रही है, फला साहब से पूछा जाएगा, वो रखा जाएगा। 7वां दिन निकल गया, अब उसका नाम ही नहीं रखा, जो जरूरी था, एक नाम होना चाहिए, उस नाम के साथ ही उसकी कुर्बानी होगी कि फला का जो फला बिन फला के तरफ से कुर्बानी है, आपने रखा ही नहीं और उसके बाद कुर्बानी और नाम ही नहीं रखा, जबकि नाम रखा जाना उसका असल था, 7वें दिन नाम रखना। अब वो बच्चा क्या है कि नाम नहीं रख रहे उसके अंदर, और उस वो बेचारे के बच्चे का नाम, वो 3 साल का हो गया, 5 साल का हो गया, अब उसका नाम ढूंढते तलाशते फिर रहे, वो बेचारे इतने सारे नाम हो जाता, उसके किसी ने लिख दिया चुन्नू, ये मुन्नू, ये गोलू, ये मोटू, ये पतलू, ये कालू भूर, और इतने सारे नाम हो जाते, वो कन्फ्यूजन पड़ा हुआ उस बच्चे का, जिसकी मर्जी आए जो पुकार रहा है, जबकि असल ये था कि पहले उसका नाम रख दिया जाए, ये अहम काम था उसका जिंदगी का, अगर नाम रखा दिया जाए। और ये तो उसमें भी आता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बताया कि औलाद के लिए जो एक मुसलमान के लिए 4 फर्ज है उसके लिए, ये 4 चीज़ें उसको करना है औलाद के लिए, उसमें एक ये है कि नाम रखा जाए उसका, सबसे पहला फरीज है कि उसको अच्छा सा नाम रखे, तो नाम उसका नहीं रखते। अब ये अकीके का हिस्सा है कि उसका नाम रखा जाए, ये भी अकीके के अंदर है, वो इसमें देखते हैं कि फिर वो छूट ही जाता है और वो उसका नाम नहीं होता, तो ये ज़रूरी है कि हम उसका नाम भी जो 7वें दिन रखें। अब ये भी बात है कि लोग इसके अंदर पूरी जात और रिश्तेदारों को बुलाया जाएगा, अब भाई मना नहीं है, फिर मैं कहूँगा कि अभी कहेंगे कि यार आप तो पूरा ही सबको, लेकिन बात सादगी की है, सादगी आप पसंद से आप काम करें, मना नहीं उस चीज़ को कि नहीं करें, लेकिन सादगी का मुजाहिरा होना चाहिए, और इससे सादगी मुतासर नहीं होनी चाहिए कि आपने उसको जो इसके अंदर लवाजिमात पाल ली, तो दूसरा कोई करे तो वो फिर वो इतना ना कर पाए और फिर वो उसको छोड़ दे। जानवर की कोई कैद नहीं है इसके अंदर, कई लोग ही तो पूछते हैं कि कितना जानवर होना, क्या होना, बकरा होना, बकरी होना, तो इसके अंदर जानवर की कैद नहीं है, बकरा भी होता है, बकरी भी होती है, दोनों कर सकते हैं, लड़का लड़की दोनों के लिए इसमें किया जा सकता है। तो इसमें कुर्बानी अहम है, उसके बाद बाल उतरवाना है, वो भी इतना अहम नहीं है कि बाल, अगर बच्चा ऐसा है कि नाजुक पैदा हुआ है तो आप ज़बरदस्ती उसके लिए उस तरह नहीं लगा सकते, उसके अंदर मेडिकली डॉक्टर अगर कह रहा है कि हाँ ठीक कर सकते हैं तो कर सकते हैं, अगर वो मना कर देता है तो उसके आप उसके नाम से सदका खैरात कर दीजिए, काफ़ी हो सकता है। तो और सबसे अच्छा बात तो ये है इसके अंदर कि कुछ गोश्त, उस जो जानवर आपने ज़िबा किया तो कुछ गोश्त अपने रख लिया और बाकी आपने सारे ज़रूरतमंदों को बांट दिया, ये सबसे अहम कि ज़रूरतमंद तक वो पहुँच जाए, तकसीम कर दिया जाए, और क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है और ये हम छोड़ देते हैं, गरीबों के पास जो ज़रूरतमंद है और ये अल्लाह की एक नेमत है, और आज के वक्त के अंदर बहुत इसके लिए पैसा लगता है, महंगी बहुत है ये नेमत, गरीबों को नहीं मिल पाती, शादी ब्याह में किसी ने बुला लिया बात अलग है, लेकिन वो नहीं कर पाते, तो ये इसीलिए हमारे बीच में कि ये एक तो क्या होता है कि हमारी जब ईद आती है तो उस वक्त तो उनके पास भी बहुत हो जाता है, तमाम मोहल्ले वाले भी दे रहे, रिश्तेदारी भी दे रहे, बहुत सारा आ जाता है, लेकिन बीच के अंदर क्या साल भर वो इंतजार करता रहेगा? तो ये हकीके को इस तरह होना चाहिए कि कुर्बान जानवर की कुर्बानी की, उसके बाद ये जरूरतमंदों को उनको भी ढूंढना है, ये भी आपका काम है, ढूंढ कर आप उन तक पहुँचाए, ताकि उनको भी बीच बीच के अंदर ये नेमतें उनको मिलती रहे, और उस दिन का अगर आपने दे दिया तो उसका पैसा बच जाएगा, तो ये उसकी मदद होगी, तो ये भी करना है। और ये भी है कि
अब हमारे यहाँ होता तो ये है कि वो किया तो जाता है लेकिन इनको नहीं दिया जाता, गरीबों को, भिखारियों को नहीं दिया जाता। बच गया तो मदरसे में भेज देंगे फिर बात के अंदर, क्या बच गया, वो सबने खा लिया जो जिनके पेट भरे हुए थे, उसके बाद में फिर बच गया तो मदरसे भेज देंगे जो बस गरीब बस्ती के अंदर, फिर जाकर उसको बांट देंगे। लेकिन ये और ये सब ऐसे वलीमे के अंदर भी होता है, वलीमे के अंदर भी खाना, पूरी शादी के अंदर उन्होंने खाना कर लिया और उसके बाद बच गया तो फिर वो गरीबों को दे देंगे। और जबकि अल्लाह के रसूल सल्लम ने फरमाया कि उस वलीमे का खाना उसको अल्लाह के रसूल पसंद नहीं किया कि जिसके अंदर अमीरों को दावत दी जाए और गरीबों को ना बुलाया जाए, तो उसमें नहीं किया जाता। बल्कि कुरान ने तो ये कहा, अल्लाह ने कुरान में फरमाया कि तुम गरीबों को इज्जत नहीं देते हो, मिस्कीन को, तो इज्जत भी देना है साथ में, क्योंकि ये नहीं कि वो सिर्फ दरवाजे पे खड़ा रहे। तो अल्लाह ने तो कुरान में ये कहा कि इज्जत देना, तो इज्जत कब की जाएगी? आपने मेहमान को बुलाया, यानी उसको आप कार्ड देकर आए, बुला के आए, आप इतनी इतनी बजे आप यहाँ पर खाने के लिए दावत, आपकी दावत है, आप आना है, तो वैसा, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लम क्या अल्फाज क्या कहें कि वो वलीमा पसंद नहीं किया अल्लाह के रसूल सल्लम ने, कि वलीमा जो पसंद नहीं अल्लाह के रसूल के, जिसमें अमीरों को बुलाया जाए, गरीब को ना बुलाया जाए, बुलाए जाने को कहा गया है, और यहाँ तो वो बेचारे खुद आकर दरवाजे पे खड़े तो भी नहीं दे रहे लोग उनको। तो ये है कि बुलाने की बात कही तो हमको बुलाना पड़ेगा, नहीं तो फिर ये तो अल्लाह के रसूल ने कहा इसके ताल्लुक से, तो फिर ये तो सुन्नत भी हमारी अदा नहीं हो रही। तो उनको बुलाकर वो इज्जत के साथ में खिलाया जाएगा, तो वो फिर खुद आ गए वो नहीं है। तो हर दावत के अंदर ऐसा होना चाहिए कि उनके लिए होना चाहिए, हर दावत के अंदर उनको बुलाया जाना चाहिए। और ये भी होता है कि इंसान क्या करता है कि उसको बता भी दिया जाए लेकिन उसको क्या है कि दिली तसल्ली नहीं होती जब तक कि वो लवाजिमात ना पाले, क्योंकि वो उसने खुद ने भर ढर अपने जो ईजाद कर लिए या देखता आ रहा सुनता आ रहा है, उसकी वजह से। तो कभी ऐसा होता है कि बच्चा पैदा हुआ हकीके का, उसने जानवरों को जीवा भी कर दिया, उसके बाद उसने बांट भी दिया, लेकिन उसको दिल की तसल्ली नहीं मिलती, अरे यार हुआ घर के अंदर ही हुआ, अपने ने खा लिया, कुछ भाई और बहन को दे दिया और बाकी तो हमने बांट दिया, मालूम नहीं पड़ रहा, तसल्ली नहीं हो रही उसको कि जब तक कि दावत ना हो, टेंट ना लगे, कार्ड ना छपे, मेहमान ना आए बाहर से, तब तक उसको तसल्ली नहीं होती। तो वो तो ये लवाजिमात पाल लेता है, जबकि इस्लाम सादगी पसंद करता है, और सादगी से पसंद करके सादगी उसके अंदर होनी चाहिए। तो सादगी के साथ करे तो सातवें दिन, उसके बाद अगर सातवां दिन छूट गया तो फिर उसके बाद में अकीका नहीं होगा, आप फिर करें तो वो आम आपकी दावत होगी लेकिन वो अकीका नहीं लिखा जाएगा, क्योंकि अल्लाह के रसूल ने ये हुक्म ही कहा कि जो सातवें दिन करना है। तो इसमें कजा वाली बात नहीं है कि छूट गया सातवां दिन तो फिर कभी भी कर ले जिंदगी में, तो कजा नहीं है इसकी, ये चला गया तो चला गया। तो अब ये है कि इसके अंदर फिर लोग इस वजह से भी इसको नहीं करते क्योंकि हमारे यहाँ ये भी रस्म है, हालांकि ये भी हमारी नहीं है इस्लाम की, ये भी बाहर से आ गई हमारे यहाँ पर, कि बच्चा अब जो है, अब उसके अंदर भी बहुत सारी वो रस्म होती है कि बच्चा जब वजूद आ जाता है कि भाई ये प्रेग्नेंट है ये लेडी, तब उसके बाद में फिर वो रसूमात भी होती है, उसका सातवां भी होता है, उसको क्या बोलते हैं, गोद भराई की रस्म भी की जाती है, ये भी नहीं है, ये नाम से ही मालूम पड़ता है कि हमारी रस्में नहीं है, वो रस्म है ही नहीं इस्लाम के अंदर। तो ये उसके अंदर किया जाता, उसको वहाँ भेज दिया जाता माइके, नहीं पहली डिलीवरी वहाँ पर होगी। अब बताइए, पहले तो उन्होंने इतना बड़ा करके दिया उसको 20-25 साल का, और फिर उसके बाद ये और अलग वापस किए, फिर इसको भी दो बड़ा करके, अब इसको तो दिया, अब जा रहा उसको भी बड़ा करके दो, तो ये इस्लाम में नहीं है। अब उसको वहाँ भेज देते, उसके बाद फिर मसला ये भी आता है कि अकीका करने के अंदर के बच्चा तो है ही नहीं यहाँ पर, अकीका कैसे करें, बच्चा तो वहाँ नाना के यहाँ पर है, तो आएगा तब करेंगे, तो वो रही जाता, वो सातवां दिन फिर निकल जाता। तो सातवें दिन इसको करना है, सातवें दिन निकल गया फिर वो अकीका नहीं लिखा जाएगा, उसके बाद आप चाहे जो करें। अल्लाह के रसूल ने कहा वो सादगी से होना चाहिए, इसके अंदर ये नहीं होनी चाहिए।